ओके रेडी 1 2 3। जय शनिदेव सभी को। जो शनि धाम से जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज का जो मेरा वक्तव्य है, जो मेरा संभाषण है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे शब्द हैं, वो एक ऐसे महात्मा के प्रति हैं जो स्वयं भगवान बृहस्पति के समान ऊर्जावान तेजस्वी हैं और भगवान शिव के व भगवान राम के परम प्रिय भक्त हैं। वह इस संसार को बहुत सारे सदग्रंथ देने वाले हैं, अच्छी सीख देने वाले हैं, उत्तम विचार देने वाले हैं और जो बड़े विवेकवान हैं और जिनकी ख्याति इस जगत में प्रतिख्यात है और पूरे विश्व में जो वंदनीय हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। आज मुझे बड़ा खेद हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, न्यूज नेशन वालों ने उनका एक वक्तव्य प्रस्तुत किया और उनकी जो मुहिम है उस मुहिम के बचाव में उन्होंने अपने बचाव में यूं कहें क्योंकि उन्होंने धर्म को आहत किया है, ये कह के कि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, वो संपूर्ण भारत की हिंदुओं की और सनातन वालों की आस्था को जी न्यूज़ वाले और न्यूज़ नेशन वाले ठेस पहुंचा रहे हैं। कम से कम एक ऐसे भक्त की आत्मा को तो ठेस पहुंचा रहे हैं जिसका आस्था जो है भगवान में बहुत ज़्यादा है, तीव्र है और जो 25 वर्ष के उपरांत आज लगातार 46 वर्ष तक लगातार भगवान की भक्ति करता आ रहा है। जगत गुरु जी ने तो 250 ग्रंथ लिखे हैं लेकिन मनु भैया के हाथ से, इस वाम हस्त से बहुत सारी शनि की स्तुतियाँ लिखी गई हैं। शनिदेव महाराज मेरे इष्ट हैं, वही मेरे गुरु भी हैं और स्वयं वही मेरा सदमार्ग निश्चित करते हैं। खैर, मैं किसी महात्मा की तरह अपनी तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मनु भैया ये यज्ञ करते हैं और ये यज्ञ आज तक समूचे विश्व में किसी भी महात्मा ने इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया जो मनु भैया करते हैं इस कली काल में। और इस यज्ञ से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे लोगों के प्रेतादि कष्ट, प्रेत जनित कष्ट, प्रेत रोग और पितृ रोग और पितृ जनित कष्ट ठीक होते हैं। ये हमारे सदग्रंथों में चर्चा आती है लेकिन आज जो मेरे हृदय में आपका आदरणीय परम आदरणीय आपका स्थान है वो तो एज इट इज रहेगा। जिव्या क्या कहती है, वाणी क्या कहती है और कभी दोष भी आ सकता है विचारों में। तब आज ऐसा हुआ कि आपने अचानक न्यूज नेशन वालों की इस मुहिम को सच्चा साबित किया। पहले तो मैं इस मुहिम का अर्थ ही जानना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम है इस मुहिम में कोई डॉक्टर ये क्यों नहीं सोच रहा कि आखिरकार लोग ऐसी जगह जाके ठीक कैसे हो रहे हैं। मनु भैया की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो चालाकी से इस सब में फंसाया गया था। न्यूज नेशन वालों ने भी चालाकी दिखाई और जी न्यूज़ वालों ने भी बहुत बड़ी चालाकी दिखाई, अपने आप को धार्मिक मान के ना तो मनु भैया का यज्ञ दिखाया, ना मनु भैया द्वारा किया गया जप दिखाया, ना मनु भैया के द्वारा वृचित वह पुस्तक दिखाई जिसमें गणेश चालीसा, परशुराम चालीसा, आरतियां, नवग्रह आरतियां, स्तुतियां। और आप कहेंगे तो मैं आपको आरती भी सुनाऊंगा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। आप स्वयं जब आरती सुनेंगे तो आप स्वयं कह उठेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी के शोध को आपने गलत बता दिया। मेरा विचार था कि मैं बहुत बड़ा शोध कर रहा हूँ, मेरा विचार था कि मैंने जो माताओं बहनों के सिर हिलते देखे हैं मैं उनको ठीक कर रहा हूँ और वो ठीक हुए। यहाँ से मनु भैया ने 40,000 वीडियो बनाई हैं और उन 40,000 वीडियो में से 20,000 वीडियो जिनको लोग नहीं देखते हैं वो ठीक हुए लोगों की हैं। लोग चाहते क्या हैं ये तो मैं जानता हूँ कि लोग आकर्षण चाहते हैं, सर घूमते हुए देखना चाहते हैं, भूत प्रेत की बातें करना चाहते हैं और आपने भूत प्रेत को सिरे से ही नकार दिया। एक शिष्य की आप पीठ थपथपाते हैं जिनका नाम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं और वो इस संसार में प्रेत निकाल रहे हैं और आप कहते हैं प्रेत नहीं होते हैं, कमाल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप न्यूज नेशन वाले और जी न्यूज वाले सभी लोगों को अपना शिष्य बनाए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिल्कुल ना बनाए क्योंकि वो तो प्रेत ही निकालते हैं और वो प्रेत ही निकाल रहे हैं तब से। एक दूसरा, राम भद्राचार्य जी से मेरा परम आदरणीय जी से मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम ये शब्द ना बोले कि प्रेत और पितर नहीं होते हैं,
क्योंकि जिस रामायण का वो पाठ करते हैं उसमें बालकांड में ही शिव विवाह आता है, मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत गहनता से इसकी जांच भी नहीं की है, लेकिन शिव विवाह का जिक्र जरूर रामायण में आता है। और उस शिव विवाह में परमत, भट्ट, काल, मारी, मर आदि ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े भूप्रेत आदि जो है वो उसमें दिखाई देते हैं, और पिशाच आदियों का जिक्र आता है जो भगवान शिव की बारात में जाते हैं। इसके अलावा 18 पुराण हमारे सुने नहीं हैं, भगवान कृष्ण से, श्री हरि से जो है प्रेत का युद्ध होता है, श्रीमद् भागवत कथा प्रेत के उद्धार पे खत्म होती है, संपन्न होती है, संपूर्ण होती है, और भूत डामर तंत्र, कितने ही तंत्र ग्रंथों में प्रेतादिकों की बातें हैं, भगवान शंकर स्वयं तंत्र ग्रंथों में प्रेतादिकों की बातें करते हैं। मैं मानता हूँ आपका कभी प्रेत से सामना नहीं हुआ, मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है आपके कुल में भी कभी किसी ने प्रेत ना देखा हो, मैं ये भी मानता हूँ कि कभी किसी पे ऐसी आपदा ना आई हो, लेकिन ऐसा कह देना वो भी इतने विचारवान के लिए, जो तुलसीदास जी को उनकी हनुमान चालीसा का पठन कराते हैं और उसमें लिखा है प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ महावीर जब नाम सुनावे। इसके अलावा तुलसीदास जी की एक और स्तुति है जिसको बजरंग बाण बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है प्रेत पिशाच काल मारी मर, है ना, भूत निशाच प्रेत पिशाच काल मारी मर, डाक बताते हैं, पिशाच बताते हैं, चंडाल बताते हैं, और फिर बताते हैं प्रेत पिशाच काल मारी मर, इनको जिक्र करते हैं। पहली लाइन में डाक पिशाच कुछ ऐसा है और दूसरी लाइन में ये है, तब तुलसीदास जी का तो निरर्थक ही हो गया। कल्याण की मासिक पत्रिका आती थी तो बहुत पुरातन समय में, मेरे समय की बात नहीं है, आपके पुरातन समय में जब आप युवा होंगे तब उसमें कबीरदास और तुलसीदास जी का जल पढ़ के देना और जल से लोगों का ठीक हो जाना, किसी का क्षय रोग ठीक हो जाना, किसी का पांडु रोग ठीक हो जाना, और किसी का कोई रोग ठीक हो जाना, किसी का ज्वर आदि उतर जाना, ये सब लिखा हुआ है। आपने तो उन उच्च कुलीन टाई कॉलर वालों की बात कह दी, भाषा कह दी, कि जो अपने आप तो अपनी चर्चों में शैतान निकालते हैं, और जब हिंदू की कोई भूत प्रेत निकालता है, पिशाच आदिकों को निकालता है, तब उसको ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास बता देते हैं। आप मुझे बस एक बात